मणिपुर से एक बड़ी खबर आ रही है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने मणिपुर के चुराचांदपुर में 47 असम राइफल्स के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल बिप्लव त्रिपाठी के काफिले मामले में 10 उग्रवादियों के ऊपर इनाम की घोषणा की। 13 नवंबर 2021 को घात लगाकर मणिपुर पीपल लिबरेशन आर्मी और पीएलए के आतंकियों ने चुराचांदपुर के सिंघाट थाने के अंतर्गत भारत म्यांमार की सीमा के पास काफिले पर हमला किया था, जिसमें कर्नल त्रिपाठी, उनकी पत्नी और बच्चे सहित 4 जवान शहीद हो गए थे। 27 नवंबर को एनआईए ने आईपीसी की कई धाराओं के तहत मामले पर एक केस दर्ज किया। एनआईए ने पीएलए के 10 उग्रवादियों के खिलाफ 8 लाख 6 लाख और 4-4 लाख रुपए का इनाम रखा है। बता दें कि घटना के बाद पीएलए ने इसकी जिम्मेदारी ली थी। बता रहे हैं मणिपुर से जुड़ी एक बड़ी खबर। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने मणिपुर के चुराचांदपुर में 46 असम राइफल्स के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल बिप्लव त्रिपाठी के काफिले मामले में 10 उग्रवादियों के ऊपर इनाम की घोषणा की है। 13 नवंबर 2021 को घात लगाकर मणिपुर पीपल्स लिबरेशन आर्मी और पीएलए के आतंकियों ने चुराचांदपुर के सिंघाट थाने के अंतर्गत भारत म्यांमार की सीमा के पास काफिले पर हमला किया था, जिसमें कर्नल त्रिपाठी, उनकी पत्नी और बच्चे सहित 4 जवान शहीद हो गए थे। 27 नवंबर को एनआईए ने आईपीसी की कई धाराओं के तहत मामले पर एक केस दर्ज किया। एनआईए ने पीएलए के 10 उग्रवादियों के खिलाफ 8 लाख 6 लाख और 4-4 लाख के इनाम रखे हैं। बता दें कि घटना के बाद पीएलए ने इसकी जिम्मेदारी ली थी।